दोस्तों एक सेट कटिंग कर रहा हूँ कपड़े पर। सेट का पीस है दोस्तों ये, ठीक है। पहले मैं एक सीधा लाइन मार ले रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से दोस्तों मैं किनारे से करीब 2.5 इंच अंदर एक लाइन मारता हूँ, जो यहाँ से हमारा मेजरमेंट शुरू होगा दोस्तों, 2.5 इंच अंदर, ठीक है। ये 2.5 इंच इसलिए जोड़ा जा रहा है, जो यहाँ पे काज बटन पट्टी के लिए जो मोड़ा जाता है कपड़ा, वो है फोल्डिंग कपड़ा, ठीक है। ये हमने छोड़ दिया दोस्तों। अब इस लाइन से सब हमारा मेजरमेंट होएगा, जो भी होगा, चेस्ट लेंथ जो भी है, वेस्ट, शोल्डर, 2.5 इंच दोस्तों, ठीक है। दोस्तों शर्ट की लंबाई है 23 इंच, इसमें प्लस 1 इंच रखेंगे मार्जिन। ये हमने 23 इंच पे एक लाइन मार दी दोस्तों, देखो 24 इंच, 1 इंच प्लस रख के। काफ़ी मैसेज आते हैं दोस्तों कि आप कपड़े पे कटिंग करिए, इसलिए दोस्तों हमने एक कपड़ा लिया और उस कपड़े पे कटिंग कर रहा हूँ। और जो भी लोग हमारे इस वीडियो पे चैनल पे नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों, और अच्छे अच्छे फार्मूले के साथ दोस्तों, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने लंबाई का मार्किंग कर दिया दोस्तों। अब हम शोल्डर का लाइन मारते हैं। शोल्डर दोस्तों है 15 इंच, तो 15 का आधा 7.5 इंच हो जाएगा, प्लस 1/4 इंच 1/8 इंच पे। ये हमने 1/4 इंच मार दिया दोस्तों, ठीक है, 1/8 पे मार दिया। इसको यहाँ थोड़ा सीधा कर लेंगे यहाँ तक करीब 2.5 इंच। उसके बाद दोस्तों चेस्ट के लिए आर्मोल की लाइन मारेंगे, चेस्ट आर्मोल की लाइन, ठीक है। तो ये दोस्तों चेस्ट है इसका 26.5 इंच, 26.5 इंच चेस्ट है, तो चेस्ट का चौथा प्लस 1/2 इंच रहेगा, ठीक है, चेस्ट का चौथा प्लस 1/2 इंच, तो 26.5 का चौथा हो जाएगा दोस्तों 6.5 इंच 1 सूत, 6.5 इंच 1 सूत, तो 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 1 सूत, तो 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 7 इंच 1 सूत हो जाएगा, 7.18 का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 26.5 का चौथा 6.58 हो जाएगा, 6.58 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंच करेंगे 7.1 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने मार लिया दोस्तों, इसको हम सीधा कर ले रहे हैं दोस्तों, इस लाइन को हम सीधा कर ले रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों चेस्ट का मेजरमेंट ले लेंगे। चेस्ट है दोस्तों चौथा भाग रख देंगे, 6.5 इंच 1 सूत, 6.58, ठीक है। यहाँ पे हम मार्क कर ले रहे हैं दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। और ये 7 इंच 1 सूत है, जिसका शोल्डर ड्रॉप होएगा दोस्तों, इसका तो ये चौथा भाग हो जाएगा दोस्तों, इसका 7 का 4 भाग करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंच दोस्तों, ठीक है, 1/2 इंच हो जाएगा। 1/2 पे दोस्तों यहाँ पे हमने मार्क कर लिया इस तरीके से, ठीक है, 1/2 पे मार्क कर लिया। और इसको दोस्तों इस लाइन पे मिला देंगे हम, ठीक है, पहले इसको यहाँ मिला दे रहे हैं, और ये 1/2 पे हमने मार्क किया दोस्तों। उसके बाद कॉलर है 12.5 इंच, तो 2 इंच 1 सूत का मार्किंग कर लेंगे दोस्तों हम यहाँ पे, ठीक है, 2 इंच 1 सूत का, और इसको यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है, ये मिला दिया दोस्तों। और 2 इंच ड्रॉप ले लेंगे, 2 इंच 1 सूत का, ठीक है, और इसको मैं अच्छे से घुमा दूंगा दोस्तों इस तरीके से। अब यहाँ पे 2 इंच लूजिंग ले ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ से मैं, ठीक है। टोटल हो गया दोस्तों ये 1/9 इंच करीब, ठीक है। तो सेम यही जो यहाँ पे आ रहा है, 1 सूत कम है 1/9 में, ठीक है, तो सेम दोस्तों यहीं पे मैं इसको सीधा कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है।
पौने नौ इसको मैं सीधा कर दे रहा हूँ। सीधा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 1.25 इंच ऊपर इसको अच्छे से शेप दे देंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से ठीक है, और करीब यहाँ पे 2 इंच का एप्पल शेप दे देंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये फ्रंट हमारा कटिंग हो गया, और यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे जो ओवरलैप होने के लिए होता है दोस्तों। मार्किंग कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे कटिंग कर दूँगा इसको, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा फ्रंट कटिंग हो गया दोस्तों ये, ठीक है। फ्रंट कटिंग हो गया, इसको मैं कटिंग कर दे रहा हूँ। दोस्तों ये फ्रंट कटिंग हो गया, ये हमारा यहाँ से फोल्डिंग होगा दोस्तों, ठीक है। फ्रंट कटिंग हो गया, अब हम इसका बैक कटिंग करेंगे, देखिए किस तरीके से। ये हमने दोस्तों फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, क्या करेंगे ये फ्रंट को दोस्तों इसके ऊपर रख लेंगे, इसके ऊपर फ्रंट को रख लेंगे, और ये जो लाइन से मेजरमेंट किया था दोस्तों इस लाइन पे ये फोल्डिंग को रख लेंगे, ये जो 1.5 इंच बाहर निकाल देंगे दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से 1.5 इंच बाहर निकाल लेंगे दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा कटिंग किया हुआ फ्रंट है आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से 1.5 इंच नीचे ये जो कटिंग किया हुआ पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट यहाँ से 1.5 इंच नीचे शोल्डर कटिंग कर बता रहा हूँ दोस्तों आपको, बैक कटिंग कैसे होगा, ठीक है। तो 1.5 इंच नीचे हम एक लाइन मार लेंगे, इसी लाइन में हमारा बैक कटिंग होगा दोस्तों। और ये 1.5 इंच का फार्मूला दोस्तों हर एक साइज पे लागू होगा, जो भी फार्मूला दोस्तों इसका, ठीक है। ये हमारा हो गया दोस्तों, और ये शोल्डर का आधा प्लस 1/4 इंच, 15 का आधा 7.5 प्लस 1/2 इंच 1.75 इंच, और इसको दोस्तों इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सीधा कर लिया, और इसको भी एक शेप देते हुए हम कटिंग कर लेंगे दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। बाकी ये वही रहेगा दोस्तों नीचे का, ठीक है, साइड वही रहेगा, ये हमारा बैक का लाइन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया बैक का लाइन दोस्तों, ठीक है। और इसको यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा 1/4 इंच झुका देना है, ठीक है, यहाँ पे 1/4 इंच, तो इस तरीके देखे दोस्तों ये हो गया। अब मैं आपको शोल्डर कटिंग बता रहा हूँ, शोल्डर कैसे करना है। शोल्डर का फॉर्मूला दोस्तों है चेस्ट का 8वां भाग, ठीक है,
चेस्ट का आठवां भाग, तो ये 26.5 इंच चेस्ट है, इसका आठवां भाग हो जाएगा 3 इंच 3.38, ठीक है, 3 इंच 1 सेंटीमीटर, तो 3 इंच 1 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पे 3 इंच 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्किंग कर ले रहे हैं, ठीक है, 3 इंच 1 सेंटीमीटर का मतलब चेस्ट का आठवां भाग, चेस्ट का आठवां भाग इसी लाइन से दोस्तों ऊपर ले रहे हैं। इसी में दोस्तों मार्जिन भी है, ऐसा नहीं कि मार्जिन अलग से है, मैं यहाँ पे कटिंग कर दूंगा इसको। चेस्ट का आठवां भाग दोस्तों ये हमने लाइन मार दिया है इस तरीके से, इस लाइन से चेस्ट का आठवां भाग शोल्डर कटिंग कर रहे हैं, और ये वापस दोस्तों वही शोल्डर का आधा प्लस क्वार्टर इंच हो जाएगा, मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दिया है, और ये यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ यहाँ पे मिल जाएगा, मिल गया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और ये दोस्तों ड्रॉप होएगा 1.5 इंच, ठीक है। फ्रंट में हमने क्या किया था, जो भी आर्मोल ड्रॉप का मेजरमेंट आया था उसका चौथा लिया था, ठीक है, फ्रंट में क्या किया था, इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो चौथा आया था वो लिया था, बैक में 1.5 इंच लेंगे ड्रॉप दोस्तों, ठीक है। अब नेक कैसा रहेगा दोस्तों, नेक का क्या करेंगे, फ्रंट में हमने लिया था नेक का छठा भाग, तो बैक में दोस्तों लेंगे नेक का छठा भाग प्लस 1/4 इंच, ठीक है, तो बैक में 1/4 इंच प्लस रखेंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और ये हमने लाइन मार दिया, अब इसको दोस्तों ये पॉइंट से और शोल्डर ड्रॉप का जो पॉइंट है हम इसको मिला दे रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये मिला दिया हमने। और उसके बाद क्या करें दोस्तों, ड्रॉप कितना लेंगे, बैक नेक का ड्रॉप, तो ये जो भी मेजरमेंट आया है अपना नेक विड्थ का, ठीक है, और आगे दोस्तों 1/4 इंच और प्लस कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे नेक विड्थ में प्लस किया था। तो अब ड्रॉप कितना लेंगे, जो भी है नेक विड्थ आया है उसका आधा, हमने जो भी नेक विड्थ लिया है शोल्डर का बैक युग का उसका आधा लेंगे नेक ड्रॉप का, बैक नेक ड्रॉप, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बैक नेक ड्रॉप होता है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों। अब आपको इसको घटाना बढ़ाना है तो आप इसमें बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये मार्क कर दिया है, तो अभी आपको ये छोटा लग रहा है तो आप नीचे से काट दीजिए, मार्जिन इसमें है ही है, आपको खाली ऊपर नीचे करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये करीब 2.5 इंच का रख दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब 1/2 इंच और नीचे से कटिंग कर देंगे, ठीक है, मेजरमेंट तो वही है, हो गया है, खाली आपको शिफ्ट करना है, तो कहीं भी कटिंग कर देंगे जो कि आपका शोल्डर वोल्डर सब बराबर आ गया है, इसका कोई झंझट नहीं है। मैं पहले शोल्डर कटिंग कर देता हूँ दोस्तों इस तरीके से, शोल्डर दोस्तों खड़े कपड़े पर कटता है, मैं आपको बताने के लिए इसमें बता दिया हूँ, तो ये चल जाता है बॉडी मैचिंग में, कोई बात नहीं। ये देखिए इस तरीके से, बाकी वही रहेगा दोस्तों, इसको कटिंग दोस्तों थोड़ा मैं नीचे लेके कटिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा होगा शोल्डर, और इसको थोड़ा ड्रॉप कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला है चेस्ट का आठवां भाग, ठीक है, उसके बाद आप ऊपर नीचे शोल्डर को शिफ्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारा ये दोस्तों बैक फ्रंट कटिंग हो गया है, शोल्डर भी काट दिया हूँ मैं, आपको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका स्लीव काट के बता रहा हूँ दोस्तों आपको, दोस्तों बाहीं कटिंग बता रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों एक लाइन मार दे रहा हूँ, ठीक है, इसके नीचे कटिंग करेंगे। तो बाहीं की लंबाई दोस्तों है 6.5 इंच का, ठीक है, 6.5 इंच प्लस 1/2 इंच मार्जिन ऊपर के लिए 7 हो जाएगा, और नीचे 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए,
तो 8.5 इंच हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 8.5 इंच स्लीव्स की लंबाई कच्चा, ठीक है। 6.5 इंच, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन, 7, नीचे 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए, 8.5 हो जाएगा दोस्तों। इसको भी मैं सीधा कर ले रहा हूँ इस तरीके से, सीधा कर लिया दोस्तों। ये लेंगे चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1/2 इंच, ठीक है। हमने आर्मोल में कटिंग करते समय 1/2 इंच प्लस किया था, इसमें भी वही लेंगे, चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1/2 इंच। तो चेस्ट है 26.5 इंच, तो 6.58 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंच करेंगे तो 7 इंच एक सूत, 7.18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7.18 का मैं यहाँ पे इसको बॉक्स बना दे रहा हूँ दोस्तों इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया हमारा बॉक्स। अब ये कितना ड्रॉप लेंगे देखो दोस्तों, चेस्ट का 8वां भाग माइनस 1/2 इंच, तो चेस्ट है 26.5 इंच, 8वां भाग हो जाता है 3.38 हो जाता है दोस्तों, 3 इंच 1 सेंटीमीटर। तो 1/2 इंच माइनस करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा करीब करीब 3.25 इंच, ठीक है, 3.25 इंच के आसपास हो जाएगा, 1/2 इंच कम करेंगे तो, ठीक है। और इस तरीके से हम इसको सीधा कर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका ओपनिंग दोस्तों है 11.5 इंच का, तो 11 प्लस 1/2 इंच मार्जिन 6.5, 6.25, ठीक है। तो ये 1.5 इंच के ऊपर यहाँ पे लाइन मारेंगे 1.5 इंच का, और करीब यहाँ पे हम इसको इसे सेव कर देंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम स्लीव्स कर देंगे कटिंग, ये हमारा स्लीव्स हो गया, में फ्रंट का कटिंग कर देना दोस्तों इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये स्लीव्स कटिंग हो गया, आप समझ गए दोस्तों। स्लीव्स कटिंग हो गया दोस्तों, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है दोस्तों।